हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें से चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एस वेटेकर ने। उन्होंने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट उन्होंने रिच ऑफ फूड मटेरियल के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिच ऑफ फूड मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाई लीनियस। लीनियस ने किंगडम सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने बैक्टीरिया को कहाँ पर रखा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू लीनियस, उन्होंने जिसमें सेल वॉल पाया जाता था उसको, उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिसमें सेल वॉल पाया जाता था उन्होंने किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया था। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि गलत था, बाद में सही भी हुआ। इसका डिमेरिट था कि उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के भी डिस्टिंग्यू नहीं कर पाए थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक के भी डिस्टिंग्यू नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फाउंडर ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी आर एच वेटेकर, ऑप्शन सी अरिस्टोटल, ऑप्शन डी थियोडोरस। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर एस वेटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किस ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था? ऑप्शन ए प्रोटोजोआंस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी लाइकेस, बोथ बी एंड सी। यहाँ पर प्रोटोजोआंस को रखा गया था, बट वायरस एंड लाइकेस को किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया था। बाद में इसके बारे में अलग पढ़ते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी, वायरस एंड लाइकेस को किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग सेल वॉल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता उसको किस किंगडम में इंक्लूड किया गया? ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटिस्टा रॉन्ग, फंजाई में भी नहीं, प्लांटी में भी तो सेल वॉल होता है। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एनिमेलिया। अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक को भी रखा गया, यूकैरियोटिक को भी रखा गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, बट सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर्स टू द बैक्टीरिया सेल। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया सेल को स्टिकी करेक्टर्स प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन डी सेल वॉल। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वह बैक्टीरिया सेल को स्टिकी करेक्टर्स प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से मैच करना है। यहाँ पर फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। सैप्रोफाइटिक सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट क्या होते हैं? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि दूसरे किसी प्लांट्स और एनिमल्स पर रहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन बी थर्ड, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंजाई के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सी फोर्थ इज करेक्ट, माइकोराइजा।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है अ फंजाई विथ प्लांट्स रूट, हायर प्लांट्स के रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, लाइकस सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी एंड फंजाई, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर। ऑप्शन ए डायनोफ्लेजलेट, ऑप्शन बी डायप्टम्स, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी यूकुलिना। तो जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं क्राइसोफाइट्स में डायप्टम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायप्टम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकेरियोट्स। इसमें से कौन सा यूकेरियोट्स नहीं है, पैरामीशियम, एशियरिचिया कोलाई, यूग्लिना वायराइड्स, अमीबा प्रोटस। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एशियरिचिया कोलाई दिस इज प्रोकैरियोट्स नॉट एन यूकेरियोट्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एशियरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन है पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड सम फंजाई, ये तो गलत है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज का यह वीडियो ख़त्म हुआ, इसमें हमने आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर का। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।